जय हिंद दोस्तों। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वैकेंसियां निकाली हुई हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर है और सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में भी सब इंस्पेक्टर के पदों पर है। ये काफी वैकेंसियां हैं और कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली। उससे पहले बता दें कि हमारे चैनल में ऐसे ही रोजगार से संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा के रखें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी मैं इस नोटिफिकेशन को बताने से पहले बता देता हूं कि शाम को आज वीडियो आपको मिलेगा जो राजस्थान के भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसियों का वीडियो आने वाला है जो शाम को 6 बजे अपलोड होगा। ये वैकेंसी ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जो शाम को 6 बजे आएगा वो राजस्थान के एक्स सर्विसमैन के लिए है। अभी बता देता हूँ ये जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है और सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स की वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी के फॉर्म भरे जाएंगे 10/8/2022, 10 अगस्त 2022 से 30 अगस्त 2022 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसकी फीस भी जमा होगी वो 30 अगस्त 31 अगस्त से पहले पहले जमा कर लें। और बता दें कि भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनकी कोई फीस नहीं लगेगी इसमें। भूतपूर्व सैनिकों को काफी अच्छा मौका है, इसमें काफी अच्छा रिजर्वेशन भूतपूर्व सैनिकों को मिल रहा है। अभी देख लेते हैं इसमें जो दो तरीके की पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सब इंस्पेक्टर सेंटर आर्मर्ड पुलिस फोर्स यानी कि CISF, BSF, ITBP इनमें वैकेंसी है। अभी बता देते हैं सब इंस्पेक्टर GD CAPF में जो वैकेंसी है उसमें 35,400 से 1,12,400 रुपए सैलरी रहेगी। काफी अच्छी सैलरी है। ग्रुप बी की वैकेंसी है नॉन गजटेड। इसके बाद सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए बता दें 35,400 से 1,12,400 रुपए सैलरी रहेगी। ग्रुप सी में आते हैं ये लोग। अभी दिल्ली पुलिस की ग्रुप सी की है और बी है आर्मर्ड पुलिस फोर्स में। अब वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं कितनी वैकेंसियां हैं। काफी वैकेंसी हैं जिसमें कि एक्स सर्विसमैन का मैं अलग से दिखाऊंगा, कोटा कितना दिया है एक्स सर्विसमैन का वो अलग बताएंगे। ओपन के लिए वैकेंसी है, जनरल के लिए 79, जनरल OBC 42, SC 24, ST 12, 23, EWS 180 वैकेंसी। इसके बाद टोटल अगर एक्स सर्विसमैन की देखी जाए दो कैटेगरी एक्स सर्विसमैन की रहेंगी। बता दें जिसने स्पेशल कोर्स किया है जैसे पैरा कोर्स किया है या और कोई स्पेशल कमांडो कोर्स किया है उनके लिए 50% रिजर्व अलग रखी गई वैकेंसी, वो स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं एक्स सर्विसमैन, और जो नॉर्मल एक्स सर्विसमैन है वो अलग है। तो 13 वैकेंसी नॉर्मल एक्स सर्विसमैन के लिए, 12 स्पेशल कैटेगरी की। और भी वैकेंसी है वो अलग से दिखाएंगे। ये दिल्ली पुलिस मेल की थी, 228 पोस्ट में 25 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। इसमें फीमेल के लिए 112 पोस्ट अलग से दी गई हैं, इसमें फीमेल अनरिजर्व SC ST के लिए अलग है। अभी देख लेते हैं सब इंस्पेक्टर GD के CAPF में कितनी वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन के लिए 10% कोटा रिजर्व है। आप देख सकते हैं काफी वैकेंसी। BSF में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 35 वैकेंसी है, 353 में 35 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए। CISF में अप्लाई कर रहे हैं तो 86 वैकेंसी में 9 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है। CRPF में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 3,112 वैकेंसी में 311 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, 10% वैकेंसियां। इसके बाद ITBP में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 191 वैकेंसी में 19 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% रिजर्व है। और SSB में 218 वैकेंसी में 21 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। अभी टोटल वैकेंसी 3,960 वैकेंसी CAPF में है। तो टोटल अगर देख ली जाए एक्स सर्विसमैन की 395 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो काफी वैकेंसी है, जरूर अप्लाई करें एक्स सर्विसमैन। अभी मैं बता देता हूँ एजुकेशन और क्या रिजर्वेशन, किस कैटेगरी एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन पॉलिसी एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार ही रहेगी। अभी देख लेते हैं इसमें दिया हुआ है एक्स सर्विसमैन के लिए जो स्पेशल फोर्स है 50% के लिए उनके लिए कैटेगरी कोटा रहेगा जिसमें कि स्पेशल फोर्स आ जाते हैं, NSC आ जाते हैं। अगर किसी तरह की इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग आपके पास है, कमांडो कोर्स किया है तो आप इसके लिए 50% आपके लिए अलग रिजर्व रहेंगी कोटा। अभी हम बात कर लेते हैं एज लिमिट 25, 20 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए।
लेकिन एससी एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 साल प्लस डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस की छूट रहेगी। तो एक्स सर्विसमैन के लिए काफी छूट है, जरूर अप्लाई करें। इसके बाद अभी देख लेते हैं इसमें एग्जाम और फिजिकल क्या होगा। फिजिकल एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जेम्प्टेड है, किसी तरह का फिजिकल नहीं होगा एक्स सर्विसमैन का, लेकिन मेडिकल एग्जाम जरूर होगा एक्स सर्विसमैन का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। अगर एक्स सर्विसमैन है तो उनकी 10th की सर्टिफिकेट, 10th पास भी है और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी वैलिड है सेना से के द्वारा जो मिलती है। अभी इसमें जो कैसे अप्लाई करना है, कई लोग कमेंट करते हैं सर अप्लाई करने का तरीका बताओ, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं एसएससी की, और नहीं तो इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसके डायरेक्ट जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मैं अप्लाई करने का एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा कैसे अप्लाई करेंगे भूतपूर्व सैनिक, क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों को अप्लाई करने का तरीका नॉर्मल किसी भी चैनल में आपको नहीं मिलेगा। मैं भूतपूर्व सैनिकों के अप्लाई कैसे करेंगे उसका डिटेल तरीका और किस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं भूतपूर्व सैनिक, वो सारी डिटेल मैं बताता हूँ। अभी इसमें देख लेते हैं सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन 30/8/2022 से पहले पहले ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, तो इसका मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा कैसे फॉर्म भरेंगे। अप्लीकेशन फीस है 100 रुपए, लेकिन एससी एसटी एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जेम्प्टेड है, कोई फीस नहीं देनी होगी एक्स सर्विसमैन को। अभी हम बात कर लेते हैं इसमें जो टेस्ट आएंगे, टेस्ट भी आपको पता होने चाहिए क्या क्या टेस्ट आते हैं। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, ऑल इंडिया के हर हर जगह पे एग्जामिनेशन सेंटर है, कहीं के लोग अप्लाई कर सकते हैं और सभी के जगह एग्जामिनेशन सेंटर होगा। तो सारे रीजन दिए हुए हैं। अभी शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लें, पेपर 1 होगा, इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें कि एक्स सर्विसमैन को फिजिकल टेस्ट नहीं देना है, और पेपर 2 होगा। 3 तरह के टेस्ट होते हैं। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। तो पेपर 1 में जो आएगा जनरल इंटेलिजेंस आता है, जनरल नॉलेज आता है, क्वांट आता है और इंग्लिश आता है, यानी मैथ और इंग्लिश आती है। 2 घंटे का टाइम होता है, काफी पर्याप्त टाइम होता है। 200 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, जिसमें कि बता दें कि भूतपूर्व सैनिक क्या करते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस का सॉल्व कर लेते हैं, जनरल नॉलेज सॉल्व कर लेते हैं, मैथ सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश को छोड़ देते हैं। तो अब बिल्कुल इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, पासिंग मार्क होना जरूरी है, इसलिए सारे अटेम्प्ट करना जरूरी है, पासिंग मार्क्स हर सब्जेक्ट में लाना जरूरी होता है। इसलिए मैंने देखा है कई एक्स सर्विसमैन के तो 75% नंबर आ जाते हैं, लेकिन वो एक सब्जेक्ट को टच नहीं करते हैं, या इंग्लिश उनकी कमजोर है तो वो टच नहीं करेंगे, मैथ कमजोर है तो मैथ को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको कट ऑफ में उनका नाम नहीं आता है। तो ध्यान रखें कट ऑफ में आने के लिए सभी में पास होना जरूरी है। इसके बाद पेपर 2 में सिर्फ इंग्लिश का पेपर होगा, 200 मार्क का और 2 घंटे का टाइम होता है। तो इंग्लिश का पेपर में इसमें पासिंग मार्क जरूरी है एक्स सर्विसमैन के लिए। अभी देख लेते हैं बाकी इसमें एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए 10th मार्क उनकी छूट मिल जाती है, 5% का उनको मैक्सिमम छूट मिल जाती है। तो जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है वो भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये था वीडियो एसएससी दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में एसआई की वैकेंसी का। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलने वाले